सत श्री अकाल, स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इक्वाडोर च राष्ट्रपति अहुदे दे उम्मीदवार फर्नांडो दा देश की राजधानी क्वीटो विच एक सियासी रैली दौरान एक अनपछाते बंदूकधारी ने गोली मार के कतल कर दिता है। राष्ट्रपति गुलेरमो लासो ने यह जानकारी दी है। कतल अजिहे समय होया जदों दक्षिणी अफ्रीकी देश विच नशीले पदार्थों की तस्करी ते हिंसा अपने सिखर ते आ। फर्नांडो नूं सुरक्षा कर्मचारियों के घेरे च प्रोग्राम तो निकलते देखा गया ते उन्हां ते गोलियां चलदियां देखियां गईयां। जानकारी मुताबिक हमले च कई होर लोग भी जख्मी होए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री का अहुदा छड़ रहे शहबाज शरीफ की सलाह से नैशनल असैम्बली भंग कर दी है, जिस नाल मौजूदा सरकार का कार्यकाल जल्द खत्म हो गया। अगली आम चोणों लिए राह पदरा हो गए। नैशनल असैम्बली भंग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिस कहा गया कि इस संविधान की धारा 58 तहत भंग किया गया। संसद हेठले सदन की म्याद खत्म होने तो 3 दिन पहला प्रधानमंत्री शरीफ की भंग करने की सलाह राष्ट्रपति अलवी को भेजी गई थी। बंबे हाई कोर्ट ने भिवेंडी की मैजिस्ट्रेट अदालत में पेश होने लिए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को दी अंतरिम राहत 26 सितंबर तक वधा दी है। मामला भारतीय जनता पार्टी के एक मैंबर वालों दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित है। जस्टिस एस वी कोतवाल की सिंगल बेंच ने केस की सुनवाई नहीं की, पर राहुल ने नवंबर 2021 दी अंतरिम राहत को होर 26 सितंबर तक वधा दिया गया। राहुल गांधी ने इस मामले में मैजिस्ट्रेट अदालत वालों उन्होंने जारी किए समन को चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा ते भाजपा ने दिल्ली सेवा बिल प्रस्ताव च फर्जी दस्तखत का दोष लाया। आम आदमी पार्टी के संसद मेंबर संजय सिंह ते राघव चड्ढा ने फर्जी दस्तखतों के मुद्दे ते प्रेस वार्ता की। दरअसल सोमवार को करीब 8 घंटे की चर्चा मगरों राज्यसभा में वोटिंग मगरों बिल से मोर लग गई, पर इस बिल के पास होने दौरान एक बड़ा बिखेड़ा खड़ा हो गया। राघव चड्ढा ने बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने प्रस्ताव भेजे। राघव चड्ढा ते दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने संसद मैंबर ने फर्जी दस्तखत करने के दोष लाए। पंजाब के मशहूर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिडारी मनु मसाणा की मैच दौरान मौत हो गई। अमृतसर में करवाए कबड्डी मैच में खेडन गया सी। एक मैच दौरान उसके सिर से गंभीर सट लगी। सट इन्नी डूंगी सी कि मनु मसाणा की ही मौत हो गई। इस दुखदायी खबर कारण समुचे कबड्डी जगत में सोग की लहर दौड़ गई है। जानकारी अनुसार मनु मसाणा हाल ही में न्यूजीलैंड तो कबड्डी खेड के परतिया से अपने पिछे छोटा भरा प्रभजोत सिंह पत्नी से मासूम बच्ची को छड़ गए। जलंधर में फ्लाईओवर तो हेठा सवारियों नाल भरी बस पलट गई। दिल्ली एयरपोर्ट तो सवारियों लेके आने वाली पंजाब सरकार की वोल्वो बस रामा मंडी फ्लाईओवर को बेकाबू होकर पलट गई। बस ने पहला अगे चल रही कार को टक्कर मारी, उसके बाद रैलिंग नाल टकरा गई। हादसे च कोई जानी नुकसान नहीं होया, पर सवारियों मामूली सट्टा लगिया ने। हादसे दौरान बस बुरी तरह नुकसानी गई, नाल ही सवारियों में एक पुकार मच गई। मानसून की बरसात कारण फसल खराब होने कारण देश में पिछले 2 महीने तो टमाटर की किल्लत का सामना करना पै रहा है, जिस कारण इस कीमत 200 रुपए प्रति किलो तो पार हो गया ने। आने वाले समय में महंगाई की मार चल रहे लोगों को राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि टमाटर तो बाद हूँ प्याज कीमत आसमानी चढ़ सकदियां ने। माहिर की मनीए तो साल के इन दिनों प्याज के भंडार च अक्सर कमी वेखन को मिलती है, तो जेकर अजिहा जारी रहा तो प्याज कीमत वध सकदियां ने। पिछले 4 महीनों में प्याज कीमत वाजब रही ने। कैंसर की भयानक बीमारी नाल जुड़ रही डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू नाल तस्वीर सांझे कर पति नवजोत सिंह सिद्धू ने भावुक पोस्ट लिखी है। पोस्ट सिद्धू ने लिखे कि जख्म तो भर गए ने, पर इस सख्त प्रीख्या के मानसिक जख्म अजे भी अले ने। नवजोत सिद्धू ने अगे लिखा कि पत्नी की 5वीं कीमो चल रही है। दस दिए कि डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू पिछले कुछ समय तो कैंसर नाल जुझ रही है, कीमोथैरेपिया कारण उन्होंने सिर के बाल भी झड़ गए ने। नवजोत सिद्धू वालों साझे की तस्वीर में यह साफ देखा जा सकता है। इस औखे समय में नवजोत सिद्धू एक चंगे पति वांग उन्होंने ख्याल रख रहे हैं। केंद्र सरकार ते भारतीय जनता पार्टी प्रति राहुल गांधी दी टिप्पणियां ते जवाबी हमला करदे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 1984 दे सिख विरोधी दंगिया कश्मीर च शांति ते कश्मीरी पंडितां ते होर अत्याचारां दा मुद्दा चुकदिआं कहा कि कांग्रेस दा इतिहास खून नाल लिबड़िया होया। विरोधी धिर कांग्रेस नूं औरतां दी सुरक्षा, गरीबां दी भलाई, नौजवानां दे हितां ते देश दे विकास दी कोई चिंता नहीं है। लोक सभा च राहुल गांधी दे बयान ते प्रतिक्रिया दिंदिआं स्मृति ने कहा कि मणिपुर वख नहीं है, भारत दा अनिखड़ वांग है। हिमाचल के उपमंडल पौंटा साहब के सिरमौरी ताल च बदल फटन नाल एक घर ढह गया, नाल एक परिवार के 5 लोग लापता दसे जा रहे हैं। इस हादसे दौरान मोलेधार मीह कारण मालगी के जंगल च बदल फटन नाल सिरमौरी ताल पिंड विच तबाही मच गई। बदल फटन नाल कुलदीप सिंह के घर का नामो निशान मिट गया, परिवार को भजन का मौका तक नहीं मिलिया। हादसे तो बाद लोग मौके पर पहुंच के भाल में जुट गए। रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में कोई वादा नहीं किया। 2023 में लगातार तीजी बार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रिजर्व बैंक के कोशिशां महंगाई दर कंट्रोल रखने जारी ने। फिलहाल रेपो रेट 6.50 रहेगा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट ना बढ़ाने पिछे देश की आर्थिक तरक्की की निरंतरता, फेडरल रिजर्व वालों वधी हुई ब्याज दर भी ध्यान रखा।
अपने मंगल लेके शहर के कैब चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी। ड्राइवर अपना कामकार बंद करके सैक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड में इकट्ठे हुए, जिथे उन्होंने वालों भुख हड़ताल शुरू की गई। ड्राइवरों का कहना है कि लोगों को बेहतर सफर दहूलत देने वाली कैब कंपनियों के ड्राइवर असुरक्षा कारण इस समय भुख हड़ताल से बैठने लिए मजबूर ने। ड्राइवर ने चेतावनी दी कि जेकर कैब ड्राइवर दंगा वाल ध्यान ना दिता गया तो अपना संघर्ष होर तेज करेंगे। इस मौके ड्राइवर वालों सरकार खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के कतल केस में दोषी ठहराए गए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मैंबर जगतार सिंह हवारा नूं मोहाली अदालत में पेश किया जा सकता है। इस बार दोषी की प्रोडक्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बजाय शरीरक तौर पर पेशी की जा सकती है। दूजे पास हवारा की शरीरक मौजूदगी कारण सुरक्षा के मद्देनजर मोहाली पुलिस भी चौकस है। कौमी इंसाफ मोर्चा बंदी सिखा की रिहाई लिए 7 जनवरी तो चंडीगढ़ मोहाली सरहद से प्रदर्शन कर रहा है। हवारा अदालत शरीरक तौर पर पेश करने की मांग की है। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी एक मामले में मुश्किलां थोड़ियां घटदियां दिखाई दे रही ने। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं राहत दिंदे हुए मानसा की अदालत नूं हुक्म जारी किए ने। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चोन जाबते की उलंघना के मामले में सूबे के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं राहत दी है। हाईकोर्ट ने मानसा अदालत नूं मामले की सुनवाई मुलतवी करने के आदेश दिए ने। मानसा अदालत ने 12 जनवरी चरणजीत सिंह चन्नी नूं समन जारी करके पेश आने के निर्देश दिए सन। फिलहाल स्पीड न्यूज़ विच बस इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।